आदमी से क्या करेगा। तो यहाँ क्या है, ताकत की जरूरत नहीं है, दिमाग, प्रैक्टिस और साइंस। साइंस क्या होती है, साइंस एक साइंस से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। देखा होगा साइंस से क्या होगा, एरोप्लेन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, साइंस है ना, हर चीज एक साइंस होती है। इसका भी युद्ध होता है, युद्ध कला के अंदर एक साइंस होती है। अगर साइंस के हिसाब से हम फाइट करेंगे, पुराने जमाने में देखो उनको पता है कि किस तरह से वो पूरा क्या है, मतलब पहले से ही देख लेते थे कहाँ किस तरह सूर्य उदय होगा, कितने बजे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से वो युद्ध करा करा करते हैं, कहाँ कितनी मिट्टी उड़ रही है, कहाँ क्या है, ऐसी इसके अंदर साइंस है। अब एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप ही समझ लो, ये उससे लंबे हैं, लगड़े हैं, मैं आपको और थोड़ा कमजोर कर देता हूँ, अब ये मुझे पकड़ के ऐसे दबा के तो आ भी सकते हैं, जैसे टाइगर होते ना, उसको पकड़ लिया तो क्या करेंगे, उसको ऐसे पकड़ना छुट्टी होगी मुश्किल होगी। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अब मैं इनसे कैसे, अब मैं यहाँ फंस गया बीच में, मैं कैसे इनसे बचूँ, और लोग टाइगर क्या किया मैंने, हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो असली होती है, दोनों जुड़ी होती है, सेंटर में जो होता है पॉइंट, ये कमजोर होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, ताकत होने लगाई, एक बार और दोबारा देखो धीरे से, जो मुझे पाया मैंने क्या किया, चलो मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, लेकिन इसकी ताकत मेरी ताकत तो नहीं है, ताकत कौन लगा रहा पकड़ने में, लगा रहे मैंने लगा। ठीक है, तो आप ये मुझे पकड़ नहीं सकते, चलो वो थोड़ा सा पकड़ भी लिया, तो ये एक एग्जांपल है कि हम साइंस के हिसाब से अगर टेक्निक के हिसाब चलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं।